Hello, good morning, student. Today I will going to discuss about the extra excretory product other than the ammonia, urea, and uric acid. In previous lecture, we were discuss in detail like ammonotelic animals, ureotelic animals, and uricotelic animals. What do you mean about the urea and uric acid and ammonia, and how to excrete amongst type of excretory product or nitrogenous excretory product? तो इस product को हम यहाँ पर इस topic को हम पहले discuss कर चुके हैं यहाँ. तो ammonia आपको बताया था बच्चों की ammonia जो excrete करने वाले animal है उसको हम ammonotelic, यूरिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल को हम यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले एनिमल को हम यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं. दैट इज कॉल्ड यूरियोटेलिक, एमोनोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक एनिमल. अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए अत्यधिक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, और यूरिया करने के लिए एक्सक्रीट करने के लिए कंपेयर टू अमोनिया कम वाटर. और यहाँ पर आप देखिए यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने के लिए और देखिए यहाँ पर तो और कम वाटर की आवश्यकता यहाँ पर होती है. यहाँ यूरिक एसिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, इवोल्यूशन से हम और टैक्सोनॉमी से हम यहाँ पर कंपेयर करें यहाँ तो उसको को रिलेटेड करें तो देखिएगा बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कैसे. यहाँ हम देखते हैं, हमने बात की अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. तो अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हमने यहाँ पर जिक्र किया था, यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी आपको बताया था. अमोनिया बन रही है या एमिनो एसिड के डीएमिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है. बॉडी की वॉल सेल है वो एंटायर बॉडी है वो सेल से अमोनिया रिलीज कर रही है, सीक्रेट कर रही है. बट उसके बाद में जो लीवर है वो इस अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके यहाँ फॉर्म कर रहा है बच्चों, यूरिया फॉर्म कर रहा है. अब आपसे पूछे कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन प्यूरीन मेटाबॉलिज्म है, प्यूरीन मेटाबॉलिज्म ध्यान रखिएगा, प्यूरीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा यहाँ पर फॉर्मेशन होता है यूरिक एसिड का. यूरिक एसिड यहाँ को रिलेशन करेंगे किन एनिमल के अंदर यूरिक एसिड रिलीज होगा, तो हमने बच्चों यूरिक एसिड रिलीज करने वाले एनिमल तीन ग्रुप बताए थे आपको. इंसेक्ट पेस्ट जो ग्रुप बताया था आपको कहा था इंसेक्ट, सेकंड ग्रुप यहाँ पर बात की हमने कहा मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स जो है वो इसी प्रकार के एनिमल है, एंड थर्ड ग्रुप हमने यहाँ पर कहा था जो बर्ड्स है वो भी यहाँ पर यूरिक एसिड रिलीज करते हैं. और जितने भी एनिमल यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं उसमें लिस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होती है, लिस्ट वाटर रिक्वायर्ड रहता है, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है. और हम कह सकते हैं कि वाटर का जो लॉस है वो बहुत ही कम होता है. और 1 ग्राम यहाँ डाटा भी बताया था, 1 ग्राम यूरिक एसिड रिलीज करने के लिए 5 ml वाटर रिक्वायरमेंट होता है. तो ये एक डाटा यहाँ पर बताया था. तो इसका कोरिलेशन करें आपसे क्वेश्चन या इवोल्यूशन के बेस पर पूछ सकते हैं कि नेचर के अंदर कौन से एग है जिनके अंदर इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद में अडेप्टेशन के कारण यूरिक एसिड डेवलप हुआ. तो हम यहाँ पर बच्चों देखिए बात करते हैं ऐसे एग जिनके चारों तरफ सेल कवरिंग यहाँ पर पाई जाती है, सेल हार्ड सेल कवरिंग पाई जाती है, उन एग में माना गया है एक साइंटिस्ट थे नीदम, साइंटिस्ट थे नीदम ने यह माना जिनके एग के चारों तरफ व्हेन द एग सराउंडिंग बाय द हार्ड सेल हार्ड कवरिंग दैट इज कॉल्ड सेल. तो व्हाट टाइप ऑफ एग, तो सेल कवरिंग एग, इन एग को बच्चों हम क्या कहेंगे, क्लीडोइक एग, क्लीडोइक एग कहेंगे. और क्लीडोइक एग है इसके चारों तरफ क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, और साथ में ये एग पॉलीलेसिथल प्रकार के एग होते हैं, पॉलीलेसिथल एग. तो अब देखो बच्चों ये जो एग है, ये एग है, ये एग, ये पॉलीलेसिथल एग है जिनके चारों तरफ यहाँ पर सराउंडिंग कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ सेल है यहाँ.
अब ऐसे एग के अंदर जब किसी प्रकार का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये कोई एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो ये यहां पर इन एम्ब्रियो से आप देखोगे जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बनेगा, ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर तो निकाल नहीं सकते, ये बाहर नहीं निकाल सकते, तो अंदर ही ये प्रोडक्ट बनेगा। और अंदर ही ये प्रोडक्ट यदि वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती तो यहाँ वाटर उपलब्ध नहीं है, और उसके साथ में यदि यहाँ पर ये प्रोडक्ट बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है तो ये हो सकता है इस एम्ब्रियो के लिए टॉक्सिक हो। तो नेचर ने एक अडेप्टेशन दे दिया गया कि इस टाइप के दैट टाइप ऑफ एग हैव लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेज फॉर्म, या तो व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सटेंसेज दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड। तो यहां पर जो इनके द्वारा बच्चों यूरिक एसिड बन रहा है वो हमने कहा था ये सबसे लिस्ट टॉक्सिक है या लिस्ट टॉक्सिक है। मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेज कौन सा था यहाँ, तो अमोनिया इज ए मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेज। ये तो ये एक कोरिलेशन क्या, ऐसे एग देखे गए इस टाइप के एग दैट टाइप ऑफ एग मीनिंग सेल कवरिंग एग जिसमें यहां एक मिनिमम वाटर है और मिनिमम यहां पर कह सकते हैं कि लिस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन रहा है, ऐसे एग कौन से जंतुओं में मिले। तो देखे गए इंसेक्ट्स के अंदर इसी टाइप का एग है, पॉलीलेसिटल एंड सेल कवरिंग एग रेप्टाइल्स है, मोस्ट ऑफ रेप्टाइल है उसके अंदर इसी टाइप का एग है, और बर्ड्स के अंदर बच्चों इसी टाइप के एग प्रेजेंट है। तो इसलिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्यूरिन मेटाबोलिज्म से इन दैट टाइप ऑफ एनिमल है स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ एज वेल एज एडल्ट लाइफ। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम यहां पर कहेंगे यूरिक एसिड। तो अब मैं बच्चों समझता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह इस प्रोडक्ट को इस मैकेनिज्म को आप समझ गए होंगे। यूरिक एसिड ह्यूमन के केस में अपन देखें तो आगे हम देखें यहां इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर यूरिक एसिड भी बनता है इन केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में भी, या ह्यूमन में मैंने कहा द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, बट सम अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड ऑल्सो फॉर्म बाय द प्यूरिन मेटाबोलिज्म when यूरिक एसिड accumulation in between joint and form a disorder that is called gout। ध्यान रखें बच्चों, तो इसे हम क्या कहेंगे, gout कहेंगे ये। तो यूरिक एसिड की अमाउंट यदि ज्यादा हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर यदि यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा तो जो जॉइंट हमारे हैं, इस प्रकार से मान लो एक सिनोवियल, ये एक जॉइंट में बना रहा हूं, या ये एक जॉइंट है, या इसके बीच में इस प्रकार से ये सिनोवियल फ्लूइड बना हुआ है, ये सिनोवियल केविटी है, इसमें सिनोवियल फ्लूइड है, तो यहां पर ये क्रिस्टल है वो डिपॉजिट हो जाती है, किसके क्रिस्टल, यूरिक एसिड के। तो इसे हम यहाँ एक डिजीज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड गाउट डिजीज, जो एक प्रकार का आर्थराइटिस डिजीज है, दैट इज ऑल्सो दैट टाइप ऑफ डिजीज नोन एज आर्थराइटिस डिजीज, और
नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये एक गठिया प्रकार का रोग है। तो ये बच्चों यहां पर आप समझ चुके होंगे कि इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द एनिमल बींग। सम अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑल्सो फाउंड इन द एनिमल बींग। हाउ मेनी टाइप ऑफ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ हमारा टॉपिक है आज का कि सम अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर फाउंड इन दी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट इज ट्राइमेथाइल एमीन ऑक्साइड, ट्राइमेथाइल एमीन ऑक्साइड TMAO, इसे शॉर्ट में TMAO के नाम से भी जानते हैं। देन किसके अंदर होता है ये, तो एग्जांपल ऑफ द TMAO द मेराइन बोनीफिश के अंदर, मेराइन मोलस्कन के अंदर एंड मेराइन क्रिस्टेशियंस है इसके अंदर दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है। देन सेकंड इज गुएनिन, गुएनिन बच्चों यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली स्पाइडर्स जो है अपने जो स्पाइडर है उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसे हम कहेंगे यहाँ पर गुएनिन। देन नेक्स्ट इज हम कह सकते हैं एलेंटोनिन, तो मेजोरिटी ऑफ मैमल्स के अंदर है यहाँ पर एलेंटोइक एसिड या एलेंटोनिन के रूप में अपन जान सकते हैं। देन नेक्स्ट इज हिपुरिक एसिड, हिपुरिक एसिड ऑल्सो फाउंड इन दी मैमल्स एंड क्रिएटिन, क्रिएटिन न्यू बॉर्न इन्फेंट प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल है इसके अंदर जो क्रिएटिन है वो स्पेशली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये प्रेजेंट होता है। एग्जामिनर ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम करता है कि लैक्टेटिंग फीमेल है उसके अंदर स्पेशल जो प्रोडक्ट बनता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो कौन सा होता है, यहाँ पर क्रिएटिन बनता है। लैक्टेटिंग फीमेल है उसके अंदर यहाँ पर आप देखिएगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो ज्यादा होते हैं और उन हार्मोन के हायर अमाउंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो दैट टाइप ऑफ हार्मोन आफ्टर मेटाबॉलिज्म फॉर्म ए स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड क्रिएटिन। तो क्रिएटिन फाउंड इन ओनली न्यू बॉर्न बेबी, एक न्यू बॉर्न बेबी वहां उसके अंदर भी है क्योंकि मिल्क है वो सक करता है तो उससे ये प्रोडक्ट बनता है मदर का, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर और लैक्टेटिंग फीमेल के अंदर ही है। तो थ्री टाइप ऑफ जो स्टेज है उसके अंदर इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। तो ये बच्चों यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है नीट के अंदर, ध्यान रखेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन क्रिएटिनिन, ये ध्यान रखे होता क्रिएटिन, ये है क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन फॉर्म इन दी मसल्स स्पेशली स्केलेटल मसल्स ऑफ दी एनिमल। देन ऑर्निथुरिक एसिड ऑल्सो फॉर्म इन दी बर्ड्स, बर्ड्स एक्सक्रीटरी एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज ऑर्निथुरिक एसिड, ये भी बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, कई बार इस क्वेश्चन को भी फ्रेम किया गया है यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में, इसका भी आप ध्यान रखें। देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन दी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल है, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब बच्चों बात की थी हमने कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, तो एक्सक्रीटरी डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वी नो अबाउट दैट टाइप ऑफ केमिकल्स दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब हम आगे देखें कि व्हेन दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन आवर बॉडी एंड एनिमल बींग, how to removal of the product, what type of organ develop in our body and different animal is that which are excrete outside of the body, so how the formation of the organs and how the that type of product removal elimination of the body from the body, so
इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं एनिमल बींग के अंदर है, जो क्या करेंगे इस इन टाइप के प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द बॉडी। या तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं, कौन से प्रोडक्ट को निकालने के लिए ऑर्गन कौन से बनते हैं। तो एनिमल बींग की बात करें हम यहाँ पर, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, जिसमें फर्स्ट हम ग्रुप ले यहाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोआ, हम देखेंगे प्रोटोजोआ है इसके अंदर क्या बनता है। इसके बाद में सेकंड है यहाँ पर पोरीपेरा, जिसमें हम स्पंजेज की बात करते हैं। देन थर्ड ग्रुप इज सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा इसके अंदर क्या होता है। देन नेक्स्ट इज यहाँ टीनोफोरा, टीनोफोरा इसके अंदर कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ये जितने भी एनिमल है, ये एक लोअर एनिमल है यहाँ, जो एक्सक्रीट करते हैं यहाँ एक स्पेशल ऑर्गन से। बट यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रोटोजोआ, पोरीपेरा, सिलेंट्रेटा जिसे नाइडेरिया भी अपन कह सकते हैं, एंड टीनोफोरा, तो इन एनिमल के अंदर नो फाउंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दैट टाइप ऑफ एनिमल एक्सक्रीट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाय द स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाय द बॉडी वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इन केस ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोजोआ अमीबा, अमीबा बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ द अमीबा यूज फॉर द एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन और द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड और कह सकते हैं मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ए स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्पफुल फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ दी ऑस्मो रेगुलेशन व्हेन द एक्सेस वाटर एंटर इनटू दी बॉडी और सेल ऑफ दी अमीबा देन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल विल बी अपियर एंड एक्सेस वाटर एलिमिनेट फ्रॉम दी सेल एलिमिनेट फ्रॉम दी बॉडी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गनल्स ऑफ द अमीबा दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इट इज हेल्पफुल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन द एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ अमीबा, इन केस ऑफ प्रोटोजोआ। देन पोरीपेरा, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोरीपेरा स्पॉन्जेज। देन द सिलेंट्रेटा, द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा एंड ओबिलिया। देन टीनोफोरा, द एग्जाम्पल ऑफ द टीनोफोरा प्लूरोब्रेंकिया एंड बेरोई। इट इज एग्जाम्पल ऑफ द टीनोफोरा। ऑल एनिमल्स ग्रुप हैव बॉडी वॉल यूज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बॉडी वॉल यूज फॉर एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक अमोनिया, इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है। मोस्ट ऑफ एनिमल में मैंने कहा था यह इनवर्टिब्रेट के अंदर क्या बनता है, यहाँ अमोनिया फॉर्म होता है और ये अमोनिया को बॉडी वॉल के द्वारा जो वाटर रिमूव होता है उस वाटर के साथ में यहाँ पर रिमूव कर देते हैं यहाँ। तो ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनती है स्पंजेज के अंदर। बच्चों आपने को आप पढ़ोगे यहाँ टैक्सोनॉमी में स्पेशल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है जो मॉडिफिकेशन ऑफ द बॉडी वॉल से बनता है। कैनाल सिस्टम फाउंड इन द स्पंजेज। तो ये कैनाल सिस्टम क्या करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल है।
तो बच्चों यहाँ पर इन एनिमल्स के बारे में आप यहाँ पर सीख गए होंगे, यहाँ आपके समझ में होंगे, यू आर क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई होप। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। देन नेक्स्ट अपना और ग्रुप ले आप, तो आगे चले तो प्लेटी हेलमंती, नेक्स्ट प्लेटी हेल मंदीज, देन नेक्स्ट इज एसके एल मंदीज, देन नेक्स्ट एनी लीडा। तो यहां प्लेटी एल मंदीज, इसको हम बच्चों कहते हैं प्लेट वर्म। ये सब बच्चों हम टैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे और बहुत अच्छी तरह कर जाएंगे स्टडी, बिकॉज इट इज माय फेवरेट टॉपिक। व्हाट इज द फेवरेट? टैक्सोनॉमी इज ए वेरी फेवरेट टॉपिक। बहुत अच्छी तरह आपको टैक्सोनॉमी के बारे में समझाया जाएगा, और जब टैक्सोनॉमी आप समझ लोगे तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है और इजी हो जाएगी आपके साथ में। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर को रिलेट कर रहे हैं टैक्सोनॉमी के साथ में। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेट वर्म रिलेटेड टू द प्लेटी हेलमंथीज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्लेट वर्म में हम कह सकते हैं टीनिया सोलियम, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द टीनिया सोलियम, यहां पूछ सकते हैं एसके हेलमंदीज, इसको हम कहेंगे यहाँ राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द राउंड वर्म एस्केरिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ द एस्केल मंदीज। तो व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द टीनिया सोलियम और एस्केरिस, तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क बाय द एग्जामिनर इन द कमिंग एग्जाम। That type of many questions also asked in the previous exam. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टीनिया सोलियम के लिए स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है यहाँ, that is called फ्लेम सेल। ध्यान रखिए यहाँ पर फ्लेम सेल के नाम से जानेंगे इसे, और इसे प्रोटोनेफ्रीडिया, एनसीईआरटी इस लाइन को लिखती है यहाँ पर कि फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया फाउंड इन दी प्लेटी एलमंदीज एनिमल एंड रोटीफर्स। यहाँ पर एक नाम और भी दे सकते हैं, यहाँ स्पेशल टाइप ऑफ कुछ एनिमल और है जिन्हें कहते हैं रोटीफर्स कहेंगे यहाँ। तो रोटीफर्स के अंदर कौन से जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। एस्केरिस है उसके अंदर यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ जो सेल होती है उसको कहेंगे बच्चों हम रेनेट कोशिका ही, रेनेट सेल है, ये एच लाइक सेल होती है। यहाँ पर ध्यान रखे किस प्रकार की सेल होती है, एच लाइक सेल होती है। देन एनेलिडा इट इज ए हायर ग्रुप ऑफ द नॉन कॉर्डेट, वेल डेवलप्ड ग्रुप ऑफ द नॉन कॉर्डेट। सो ए वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेवलप इन द एनेलिड्स, द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक नेफ्रीडिया, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो यहाँ पर हम इसके कॉमन जो एनिमल है बच्चों उसमें जैसे आर्थोरम के रूप में हम जानते हैं, क्या आर्थोरम है। इसके बाद में एक एग्जांपल और है, इसको हम कहेंगे नेरीज कहेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर यहाँ क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है। यहाँ पहले बात की थी हमने प्रोटोनेफ्रीडिया, सिंपल फॉर्म ऑफ द नेफ्रीडिया, यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ नेफ्रीडिया। मेनी टाइप ऑफ नेफ्रीडिया अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड मेनी टाइप ऑफ एडवांस नेफ्रीडिया लाइक सेप्टल नेफ्रीडिया इज ए मोस्ट एडवांस नेफ्रीडिया, देन इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, देन फेरिंजियल नेफ्रीडिया अमंगस्ट टाइप ऑफ नेफ्रीडिया फाउंड इन दी आर्थोरम। द मोस्ट डेवलप मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ नेफ्रीडिया फाउंड इन आर्थोरम दैट इज कॉल्ड सेप्टल नेफ्रीडिया। जनरली हम देखें किस टाइप से इस प्रकार से बच्चों कपलाई की स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर इस टाइप से, और ये एक लंबी यहाँ ट्यूब के साथ में इस टाइप से कनेक्ट रहता है।
तो दैट इज कॉल्ड सेप्टल लेप्रिडिया। तो ये हम यहाँ पर बता सकते हैं, तो दैट इज वेरी ब्यूटी लुक लाइक देख सकते हैं, देख इस प्रकार से आप एनलिडा तक बता सकते हो। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ, नेक्स्ट ग्रुप अपन ले तो आर्थ्रोपोडा के अंदर देखिएगा बच्चों, आर्थ्रोपोडा में यहाँ तीन टाइप के मेनली एनिमल लिए हैं, इंसेक्टा, सेकेंड इज ए क्रस्टेशियन, देन थर्ड एनिमल इज एरेक्निड, एरेक्निड से। तो थ्री टाइप के एनिमल यहां पर देखे गई है। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल, तो या इंसेक्टा, क्रस्टेशियन एंड एरेक्निड्स। आर्थ्रोपोड्स बच्चों आप जानते हो इट इज ए लार्जेस्ट फाइलम है और मोस्ट डाइवर्स फाइलम। ओके, आर्थ्रोपोड ऑल्सो नोन एज लार्जेस्ट फाइलम और मोस्ट डाइवर्स फाइलम, और दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज। तो इस प्रकार से हम यहां पर केवल तीन ग्रुप की बात करेंगे, इंसेक्टा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इंसेक्टा, क्रस्टेशियन एंड एरेक्निड। मोस्ट ऑफ एनिमल है जो आर्थ्रोपोड्स है उसका 90% एनिमल है वो इंसेक्ट्स है। या इंसेक्ट्स में जैसे बेस्ट एग्जांपल में स्लेविस के अकॉर्डिंग देखें तो कॉकरोच इज ए इंसेक्ट एंड बटरफ्लाई इज ए इंसेक्ट, हाउस फ्लाई इज ए इंसेक्ट एंड मॉस्किटो इज ए ऑल्सो इंसेक्ट, मॉस्किटो इज ए इंसेक्ट। इनके अंदर जो एक्सक्रिटरी ऑर्गन्स जो होता है, वेल डेवलप एक्सक्रिटरी ऑर्गन मेल पीजियन बॉडी यहां पर एक्सक्रिटरी ऑर्गन के रूप में है, ध्यान रखें यहां पे मेल पीजियन बॉडी। तो मेल पीजियन जिसे ट्यूब के रूप में जानते हैं, मेल पीजियन ट्यूब फाउंड इन दी इंसेक्ट से। तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बना, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि इंसेक्ट के अंदर है विच टाइप ऑफ एक्सक्रिटरी ऑर्गन फाउंड इन दी बटरफ्लाई, इन दी कॉकरोच, इन दी हाउस फ्लाई, इन दी बीटल्स एंड अदर सो मेनी वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट। देन क्रस्टेशियंस, मोस्ट ऑफ क्रस्टेशियंस आर फाउंड इन दी एक्वाटिक हैबिटेट लाइक फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड मरीन वाटर हैबिटेट। मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दी क्रस्टेशियंस दैट इज कॉल्ड क्रेब इज ए क्रस्टेशियंस, प्रॉन इज ए क्रस्टेशियंस, क्रेब एंड प्रॉन दे हैव ग्रीन ग्लैंड, द एक्सक्रिटरी ऑर्गन ऑफ द क्रस्टेशियन दैट इज कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड आर फाउंड इन द क्रस्टेशियंस लाइक क्रेब, लाइक प्रॉन, लाइक किंग क्रेब, लाइक हर्मिट क्रेब, ऑल आर रिलेटेड टू दी क्रस्टेशियन। किंग क्रेब ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल, ये हम बच्चों आगे बात करेंगे कब, जब हम टैक्सोनॉमी करेंगे तो उसमें भी हम इसकी डिटेल करेंगे। देन एरेक्निड्स, व्हाट डू यू मीन अबाउट द एरेक्निड्स, एरेक्निड हैव फोर पेयर ऑफ लेग, और पेयर लेग है वो एरेक्निड्स के अंदर होती है, इंसेक्ट के अंदर है, इंसेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है थ्री पेयर है वो लेग की यहां पर प्रेजेंट है और टू पेयर है वो विंग यहां पर प्रेजेंट है। एक्सेप्शनल पेडिकुलस, ह्यूमन पेडिकुलस ये एक्सेप्शन है यहां पर। इंसेक्ट किसको कहेंगे जिसमें थ्री पेयर ऑफ लेग, टू पेयर ऑफ विंग, और एरेक्निड किनको कहेंगे यहां पर जिनमें फोर पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल को हम यहां पर एरेक्निड्स कहेंगे। यहां बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एरेक्निड्स
और स्पाइडर इज एरेक्निड्स एंड स्कॉर्पियन. स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर एरेक्निड्स. इसके अंदर बच्चों जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसको हम कहेंगे कॉक्सल ग्लैंड. दैट इज कॉल्ड कॉक्सल ग्लैंड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी एमसीबी एग्जामिनर है वो क्वेश्चन फ्रेम करता है. नीट की लाइनें अपने जो एनसीईआरटी की लाइन है और लाइन टू लाइन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. इसको थोड़ा एलेबोरेट करके समझाते हुए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं. तो यहाँ मेनी टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फाउंड इन दी ऑर्थोपोड्स एंड ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट डिस्कवर दैट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन दी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स ऑफ दी रिलेटेड टू दी आर्थोपोड्स. सो आर्थोपोड्स इज ए लार्जेस्ट फाइलम सो हैव मेनी टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर दी इवोल्यूशन फॉर दी अडेप्टेशन इन दी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट. तो ये बच्चों यहाँ पर बातें कर सकते हैं इसे. तो देन नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप इज मोलस्का. मोलस्का के अंदर बच्चों कौन सी यहाँ पर ऑर्गन यहाँ पर होते हैं. तो इन दी मोलस्क देर आर ए मोस्ट स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन दैट इज कॉल्ड केबर ऑर्गन. केबर ऑर्गन इट इज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ दी मोलस्क. स्पेशली केबर ऑर्गन फाउंड इन दी यूनियो. यूनियो इज ए एग्जाम्पल ऑफ द मोलस्क. देन सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गन नोन एज दी जैकॉब्सन ऑर्गन. जैकॉब्सन ऑर्गन दैट इज फाउंड इन दी पाइला. पाइला के अंदर है इस प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होता है. तो इसे आप बच्चों बहुत अच्छी तरह ऐसे यहाँ मोलस्का के अंदर समझ सकते हैं. देन नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर अगला और ग्रुप देखें तो आप देखिएगा नेक्स्ट आता है यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा के अंदर है कौन से ऑर्गन होते हैं. तो इन द इकाइनोडर्मेटा दैट इज ए रिड्यूस्ड टाइप ऑफ ऑर्गन फाउंड इन इन विच एनिमल्स बट ओनली द मेजेंट्रोन एंड ड्यूटेरोस्टोमिया आर हायर डेवलप स्ट्रक्चर्स सो प्लेस इन द हायर एनिमल्स ग्रुप बट अदर स्ट्रक्चर्स आर रिड्यूस्ड टाइप बट सम स्पेशल स्ट्रक्चर है फाउंड इन दी इकाइनोडर्मेट्स लाइक स्टार पीस इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इकाइनोडर्मेट्स. द स्टार पीस हैव ट्यूब फिट लाइक स्ट्रक्चर. ट्यूब फिट फंक्शन एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स and also function as a respiratory organs and also function as a locomotory organ. It is a main organ related to the locomotion but accessory function of the respiration or excretion. तो यहाँ पर इसका ये excretion और respiration accessory function है. Then next group is hemichordata. इन दी हेमिकॉर्ड्स. ऑल इकाइनोडर्मेट्स आर फाउंड इन दी मेराइन हैबिटेट और सी हैबिटेट और ओशियन हैबिटेट बट द एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेटा इज बेलेनोग्लॉसस and it have the excretory organ is a proboscis gland which is present in the proboscis region. The hemichordate animal body divided in many region like proboscis region, collar region, trunk region. The proboscis gland found in the proboscis
रीजन एंड विच आर फंक्शन एज ए एक्सक्रिटरी ऑर्गन. द एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट लाइक अमोनिया एक्सक्रीट बाय द प्रोबोसिस ग्लैंड. प्रोबोसिस ग्लैंड जस्ट लाइक ए ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर. सो वी कैन से दैट द सिंगल ग्लोमेरुलस फाउंड इन द हेमिकोडेट्स और बेलेनोग्लोसस. बेलेनोग्लोसस ऑल्सो नोन एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट. इस चीज को आप बच्चों ध्यान रखें. इट इज प्रिमिटिव एनिमल्स एंड दैट कनेक्ट टू द नॉन कॉर्डेट्स इकाइनोडर्मेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स. तो इस बात को हम बच्चों यहां पर समझ सकते हैं. देन नेक्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा. कॉर्डेट वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं हम यहां. तो यूरोकॉर्डेटा के अंदर यहां पर देखा गया है स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड डेवलप फॉर द एक्सक्रीशन है. दैट इज कॉल्ड ग्रीन ग्लैंड ऑल्सो नोन एज न्यूरल ग्लैंड. द रिसेंटली नेम ऑफ द ग्रीन ग्लैंड दैट इज कॉल्ड न्यूरल ग्लैंड फाउंड इन द यूरोकॉर्डेटा. द एग्जाम्पल ऑफ द यूरोकॉर्डेटा इज बेस्ट एग्जाम्पल इज हर्डमानिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ द यूरोकॉर्डेटा. देन सीपेलोकॉर्डेटा. What do you mean about the cephalocordata? The higher developed animal of the protocordata that is called cephalocordata. The best example of the cephalocordata is Amphioxus. It is an example of cephalocordata. The Amphioxus there are two type of excretory organ. First is protonephridia and second is hatchet nephridia. It is a example of the Amphioxus or cephalocordata. The best very important example that can be asked question in the NEET exam and the coming NEET exam. तो ये हम यहाँ पर बता सकते हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है. द स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑल्सो फाउंड अपर टिप ऑफ द हेसिक नेप्रिडिया और प्रोटोनेप्रिडिया दैट इज कॉल्ड सोलेनोसाइट सेल्स. द सोलेनोसाइट सेल ऑल्सो फंक्शन एज ए एक्सक्रिटरी ऑर्गन इन द एम्बीऑक्सस. इट इज ए पार्ट ऑफ द चेक नेप्रिडिया और प्रोटो नेप्रिडिया. तो इस बात को बच्चों हम समझ सके हैं यहाँ पर. तो सीपेलोकॉर्डेटा तक यहाँ तक अपने जितने भी एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं. इसके बाद में हम देखें बच्चों नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर तो एक और स्लाइड के द्वारा हम देखें. देन यहाँ पर आता है वर्टिब्रेट्स हायर ग्रुप ऑफ द कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट के अंदर यहाँ पर डेवलप होता है. देयर आर थ्री टाइप ऑफ किडनी डेवलप इन दी वर्टिब्रेट. फर्स्ट किडनी को हम कहेंगे यहाँ पर प्रोटोनेफ्रोज किडनी. सेकंड टाइप ऑफ किडनी मीजोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रोज किडनी. एंड थर्ड टाइप ऑफ किडनी मेटानेफ्रिक और मेटानेफ्रोज किडनी. तो दैट इज थ्री टाइप ऑफ किडनी फाउंड इन दी वर्टिब्रेट्स वेरियस वर्टिब्रेट. What do you mean about the protonephroid, mesonephroid and metanephroid? Protonephroid kidney is a most simplest kidney according to structure. Then mid-complex kidney,
नॉट कॉम्प्लेक्स मिड कॉम्प्लेक्स किडनी देन मेटानेप्रोज इज ए हायर मोस्ट कॉम्प्लेक्स किडनी इज ए मेटानेप्रोज या मेटानेप्रिक किडनी। तो यहां से बच्चों एक क्वेश्चन है नीट के अंदर फ्रेम किया जाता है कि कौन सी यहां पर सिंपल टाइप की किडनी है, कौन सी यहां पर मिड कॉम्प्लेक्स टाइप की किडनी है, एंड विच आर विच ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स किडनी इज, तो आंसर आएगा मेटानेप्रिक किडनी इज ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स किडनी। अब आपसे पूछ सकते हैं कि यहां सिंपलेस्ट मिड कॉम्प्लेक्स और मोस्ट कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है। तब देखिए बच्चों हम देखते हैं सिंपलेस्ट का मीनिंग किडनी, हमारी जो किडनी है इट इज फॉर्म बाई ए स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। व्हेन द सिंपलेस्ट नेफ्रॉन फाउंड इन द किडनी दैट इज कॉल्ड प्रोनेफ्रोज किडनी, एंड द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ नेफ्रॉन बट सिंपल द मेटानेफ्रिक किडनी एंड कॉम्प्लेक्स द प्रोनेफ्रिक किडनी। तो दैट आर मिड टाइप ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन द किडनी दैट इज कॉल्ड मेसोनेफ्रोज किडनी, एंड मोस्ट वेल डेवलप्ड नेफ्रॉन आर फाउंड इन द किडनी इन डिफरेंट एनिमल्स दैट इज कॉल्ड मेटानेफ्रोज किडनी। तो यहां पर हम किडनी की स्ट्रक्चर के बेस पे देख सकते हैं प्रोनेफ्रोज जो किडनी है, जो इस प्रकार से हम यहां पर देखेंगे, इस प्रकार से ये किडनी है इसको हम कहेंगे प्रोनेफ्रोज किडनी। मेसोनेफ्रोज किडनी है, इस किडनी को हम यहां पर देखेंगे इस प्रकार से, ये किडनी क्या होगी यहां पर मेसोनेफ्रोज किडनी। मेटानेफ्रोज किडनी है, इसमें और यहां पर है कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर आ जाती है, इस किडनी को हम कहेंगे यहां पर मेटानेफ्रोज किडनी। प्रोनेफ्रोज किडनी है, इसके अंदर देखिए बच्चों इस किडनी में क्या मिलेगा आपको, ऐसी किडनी के अंदर यहाँ ओनली ग्लोमेरुलस इस प्रकार से ब्लड आ जाता है और एक ग्लोमेरुलस यहाँ पर प्रेजेंट होता है नेफ्रोज के अंदर, और ऐसी स्ट्रक्चर होती है और यहाँ एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर यहाँ बन जाती है और इस टाइप का यहाँ सिंपल एक स्ट्रक्चर होती है, ऐसी किडनी को हम कहेंगे यहाँ पर प्रोनेफ्रोज किडनी। मेसोनेफ्रोज किडनी है जिसके अंदर यहाँ ग्लोमेरुलस तो प्रेजेंट ही है और साथ में यहाँ पर क्या है ये यहाँ प्रेजेंट है बोमेन कैप्सूल भी प्रेजेंट है और इसमें पीसीटी भी प्रेजेंट है, पीसीटी यहाँ डायरेक्ट है डीसीटी के अंदर यहाँ कनेक्ट है। तो इस टाइप की जो किडनी है जिसमें नेफ्रॉन है पीसीटी एंड डीसीटी एंड मेल पीजियन बॉडी एंड ग्लोमेरुलस, ये दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन द किडनी दैट इज कॉल्ड मेसोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। देन थर्ड टाइप ऑफ किडनी मेटानेफ्रिक किडनी, इट मीन्स वेल डेवलप स्ट्रक्चर लाइक ग्लोमेरुलस प्लस मेल पीजियन बॉडी प्लस पीसीटी प्लस हेनले लूप ऑल्सो डेवलप इन दैट टाइप ऑफ किडनी एंड डीसीटी एंड सीटी कलेक्टिंग ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है डेवलप इन दी नेफ्रॉन दैट इज कॉल्ड मेटानेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रोज किडनी। तो इसे टाइप से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ किडनी वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोनेफ्रिक किडनी कहां प्रेजेंट होती है, तो मोस्ट ऑफ लोअर एनिमल के एम्ब्रियोनिक स्टेज है, हम कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ कॉर्डेट और वर्टिब्रेट है उसके अंदर जो किडनी होती है वो किस टाइप की किडनी है, तो आपको हो गई यहां पर प्रोटोनेफ्रिक किडनी, जिसमें स्पेशली साइक्लोस्टोमेट्स जो है उसके अंदर भी इसी प्रकार की किडनी होती है। इसे एक नाम और भी दिया गया है ऑफिस्टो नेफ्रिक किडनी, प्रोनेफ्रिक किडनी ऑल्सो नोन एज ऑफिस्टो नेफ्रिक किडनी। मेसोनेफ्रिक किडनी बच्चों किसके अंदर होती है, तो मेसोनेफ्रिक किडनी फाउंड इन दी फिशेज, एग्जांपल ऑफ द मेसोनेफ्रिक
फिशेज और एम्फीबियन एडल्ट एम्फीबियन हैव मेजोनेफ्रिक किडनी, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मेजोनेफ्रिक और मेजोनेफ्रोज मेटानेफ्रिक किडनी विच आर फाउंड इन दी विच इज फाउंड इन दी हायर एनिमल लाइक रेप्टाइल्स हैव मेजोनेफ्रिक किडनी एंड एविज ऑल्सो हैव मेजोनेफ्रिक किडनी एंड मैमल्स All mammals also have mesonephric type of kidney. That is a very important question asked in the exam by the examiner. तो ये बहुत ही important है बच्चों. I hope आप समझ गए होंगे इसे. बिल्कुल बहुत अच्छी तरह understanding है आपकी हो गई है. That type of question, that type of structure, that type of matter. तो ये बच्चों हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि different type of kidney in the vertebrates है और वो यहाँ पर यूरिया vertebrates में यूरिया और यूरिक एसिड और अमोनिया जो उत्सर्जी पदार्थ है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो बनते हैं और ये किडनी उसे रिमूवल करती है. तो ये बात यहाँ और समझ गए होंगे यहाँ. तो अब इसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं आपको. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. हमने कहा कि मेनली जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो किडनी है हमारे वर्टिब्रेट्स के अंदर, बट कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी है. जैसे हम कह सकते हैं स्किन हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एसेसरी ऑर्गन के अंदर आता है. लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं. इसके अलावा बच्चों लीवर है वो भी हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन आता है. इसके बाद में हम कह सकते हैं लंग्स है वो भी हमारे अंदर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जिसे हम है ये भी आपके पास में एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ये भी कहीं ना कहीं न किसी रूप में कुछ न कुछ पदार्थ रिलीज करते हैं. स्किन है हमारे अंदर स्यूडोफेरिस ग्लैंड पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है और ये क्या कर रही है स्टीरोइड स्टीरोल्स को वो बाहर रिलीज करती है जिससे हमारी स्किन कई बार देखते हैं अपन ऑयली दिखाई देती है. तो ये सेबेसियस ग्लैंड का प्रोडक्ट होता है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करती है. इसी प्रकार स्वेट ग्लैंड जो स्वेट का रिलीज सिक्रीशन कर रही है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होता है तो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट यूरिन कह सकते हैं. वो एक्सक्रीट कर रही है, सॉल्ट एक्सक्रीट कर रही है, एक्सेस जो भी सॉल्ट होता है उसको एक्सक्रीशन किया जा रहा है. ऐसे ही बच्चों हमारे अंदर थर्ड सेकंड लीवर है. लीवर है मेनी यहाँ प्रोडक्ट्स है वो यहाँ फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ कह सकते हैं बिलीरुबिन और बिलीरुबिन जो बाइल पिगमेंट है वो एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ द लीवर है, उसको एक्सक्रीट कर रही है. यूरिया का फॉर्मेशन है वो लीवर के अंदर होता है, उसको यहाँ पर ब्लड के अंदर रिलीज किया जा रहा है. तो कंटिन्यू लीवर हमारे अंदर एक एसेसरी ऑर्गन के रूप में फंक्शन करता है. देन लंग्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन. क्या एक्सक्रीट कर रहा है लंग्स, ध्यान रखिए लंग्स हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर रहा है और लंग्स जो वाटर जो है वाटर है वेपर जो है उसको अपन एक्सक्रीट कर रहा है. कंटिन्यू है लंग्स के द्वारा वाटर भी रिमूव होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होता है. कुछ वायलेट सब्सटेंसेज है बच्चों, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज है जो ज्वलनशील होते हैं उनको भी लंग्स है वो एक्सक्रीट करता है. अब आप देखिए कौन सी वो है, जैसे एल्कोहल, ध्यान रखे एल्कोहल जैसे ही हम ड्रिंक करते हैं तो ब्लड में चला जाता है. ब्लड के साथ में जैसे सर्कुलेट होता है तो एल्यूलाई के पास में आता है तो वहां से एल्यूलाई डिफ्यूज कर देती है एल्कोहल को वेपर के रूप में. तो श्वास के साथ में जब हम श्वास ले रहे हैं और हायर अमाउंट ऑफ द एल्कोहल ड्रिंक किया है तो एल्कोहल बाहर आएगा और एल्कोहल की बदबू आएगी. ड्राइविंग करते वाले जो पर्सन है उसका टेस्ट किया जाता है इसी प्रकार से. रेस्पिरेटरी अल्कोहल जो किट होती है उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है कि अल्कोहल का अमाउंट कितना है जिससे श्वास के द्वारा बता दिया जा सकता है. इसी प्रकार आप देखो कि
जो ड्रिंक करते हैं अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उस श्वास एक्सपायरेशन करेंगे, श्वास छोड़ेंगे तो उसमें अल्कोहल की बदबू आएगी यहां पर। तो इसे जो प्रतीक है, जो सिंबल है यहाँ, तो इस प्रकार से ज्यादा अल्कोहल है उसको एक्सट्रीट किया जाता है यदि ब्लड के अंदर अल्कोहल हमारे अंदर ज्यादा हो गया है। इसी प्रकार और यहाँ पर दूसरा एक प्रोडक्ट है कीटोन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बच्चों, है कीटोन बॉडी, ध्यान रखिए कीटोन बॉडी है। कीटोन बॉडी क्या है, तो ये कीटोन बॉडी फॉर्म हो रहा है मेटाबॉलिज्म में, या हम कह सकते हैं फेट मेटाबॉलिज्म से, फेट मेटाबॉलिज्म, फेट का, फैटी एसिड का सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो कीटोन बॉडी बनती है। यदि फैट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है तो कीटोन बॉडी ज्यादा बनती है। कीटोन बॉडी एक्चुअल में है क्या, तो एसीटेट, एसीटेट इसके अलावा यहां पर एसीटो एसीटेट, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ये बच्चों क्या है, यहां पर कीटोन बॉडी है। यहां एसिटो एसिटेट, एसिटेट और एसिटेट को हम एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं या, तो यहाँ और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक, ये जो केमिकल है, ये जो या सब्सटेंसेस है दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग दी फेट मेटाबॉलिज्म में, यहां से बच्चों क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नीट के अंदर ये क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, तो उसमें ऑप्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फेट मोटा मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और मिनरल्स मेटाबॉलिज्म। तो आपका आंसर इज फेट मेटाबॉलिज्म। एक क्वेश्चन ये आया कीटोन बॉडी के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेज होते हैं, विच आर सब्सटेंसेज इनोल इन दी कीटोन बॉडीज, तो बच्चों देखिए फर्स्ट इज एसीटेट, सेकंड इज एसिटो एसीटेट, थर्ड इज ब्यूटा हाइड्रोक्सी एसिड, ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। तो ये क्या है, यहां पर सब्सटेंसेज है कीटोन बॉडी का। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीटोन बॉडी है जैसे ही ब्लड के साथ में सर्कुलेट होगी एल्वियोली के पास से आएगी, तो ये भी क्या हाईली वोलेटाइल है, तो अब इसे बाहर वो निकाला जाएगा श्वास के द्वारा, तो एक स्पेशल प्रकार की श्वास में बदबू आती है, डॉक्टर इस बदबू को पहचान जाता है कि ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी आई है। और ये बदबू अक्सर कब आती है, जब फेट मेटाबॉलिज्म होता है, ज्यादा होता है, एक्सेस फेट मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो माउथ से बदबू आती है। और ये अक्सर आप देख सकते हो जब अपन फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, जब हमें ग्लूकोज का लेवल कम मिलता है, ये ज्यादा मेटाबोलाइज कब होगी, तो शरीर को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो मेटाबोलाइज होती है, या शरीर को बच्चों ग्लूकोज का है वो सोर्स है वो बंद हो गया है, क्लोज हो गया है, तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो सेल अपने आप को चलाने के लिए ऊर्जा तो देगी, और ऊर्जा कहां से लेके आएगी, ऊर्जा अपने पास में जो स्टोर फैट है उसको यहां डिजोल्व करेगी, और स्टोर फैट का मेटाबॉलिज्म जैसे ही होगा तो कीटोन बॉडी बनेगी, और कीटोन बॉडी ज्यादा बनेगी तो वह श्वास के द्वारा इसकी बदबू बाहर निकलेगी, तो हम पहचान जाएंगे कि कीटोन बॉडी है वो एक्सेस मात्रा में बन रही है, अर्थात फैट का है वो मेटाबॉलिज्म है वो आवश्यकता से ज्यादा हो रहा है। सामान्य कब होता है, जब हम उपवास करते हैं, जब फास्टिंग में रहते हैं, उस समय आप देखिए मुंह से एक अलग प्रकार की बदबू आती है, तो क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है ग्लूकोज की हमारे अंदर कमी है। स्पेशली आप देखिएगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट के अंदर जिसमें डायबिटीज डिजीज है, उसमें ग्लूकोज जो है वो अपटेक नहीं कर पाती सेल, ये सेल है, सेल के रिसेप्टर है, ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगी, ग्लूकोज नहीं जा पाएगी तो ये क्या कर रहे हैं, फैट को यहां पर डाइजेस्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म करेंगे, जिससे डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा से ज्यादा हायर अमाउंट ऑफ द कीटोन बॉडी फॉर्म एंड डिजोल्व इन द ब्लड देन
द सर्कुलेट विद द ब्लड एंड कम नियर द एल्यूलाई, फ्रॉम द एल्यूलाई डिफ्यूज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो वहां पर एक स्मेल आती है, एक बदबू आती है, गंध आती है, वो कीटोन बॉडी की गंध होती है। इसलिए देखिए डायबिटिक पेशेंट में इसी प्रकार की गंध ज्यादा रहती है और फास्टिक कंडीशन के समय इस प्रकार की गंध ज्यादा रहती है। तो ये हम पहचान जाते हैं कि कीटोन बॉडी हमारे अंदर, क्योंकि एक एरोमेटिक सब्सटेंसेज है ये और एरोसोल लाइप की यहां पर जो बदबू या ऑडर यहां पर डेवलप होती है। इस प्रकार है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंग्स भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी एसेसरी ऑर्गन्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, जो वाटर वेपर के रूप में निकाल रहा है, साथ में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है या एक्सेस प्रोडक्ट के रूप में कीटोन बॉडी और एल्कोहल को भी श्वास के द्वारा बाहर निकालने का काम करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, अबाउट द मैटर ऑफ द एक्सक्रीशन, रिलेटेड टू एक्सक्रीशन वेरियस। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स इवन ह्यूमन एंड सम स्पेशल टाइप ऑफ अदर एसेसरी ऑर्गन्स एंड अदर एसेसरी प्रोडक्ट ऑल्सो वी आर डिस्कस्ड। तो ये हम यहाँ पर कर चुके हैं बच्चों। तो अब आप बहुत अच्छी तरह इस चीज को समझ चुके होंगे। अब है आगे हम नेक्स्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी इन केस ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। ह्यूमन के ऊपर अपन एम्फेसिस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है। थैंक यू सो मच।